रांची पुलिस ने 50 लाख रंगदारी मांगने के आरोप में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी नौसाद आलम क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनिए। क्षेत्र के रहने वाले हैं कमल हक जी, सिमलिया के हैं। उनको दो बार थ्रेट कॉल गया हुआ था, रंगदारी स्वरूप पैसा मांगा गया था। अभी हाल में जो केस हुआ है 9/7/2023 को, जिसमें 50 लाख का डिमांड किया गया था, और इसके पहले भी एक फरवरी महीना में भी पैसा की डिमांड मुरारी जी और आलोक जी के नाम पे आया था, जो TSPC के रहने वाले हैं, उसी के सक्रिय सदस्य और जोन से भी जुड़े हुए थे। हम लोगों ने FIR करके जांच पड़ताल चल ही रहा था कि इसी क्रम में अभी हाल में 4-5 दिन पहले हाजी चौक पे जाकर और डिस्परेटली शाम के समय में फायर किया गया था, जिसमें दो लोग जख्मी भी हो गए थे जो खतरे से बाहर। उसमें दो लोगों के नाम आया था, इम्तियाज अंसारी और दूसरा वसीम खान उर्फ राजा को नेम्ड किया। इनसे कहीं ना कहीं इनकी सहभागिता रही है पैसा मांगने में, या जो पैसा जिसके नाम पर मांगा जा रहा आलोक जी के नाम पर उसमें, तो इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके ही निशानदेही के आधार पर ताज को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, और इनके पास ये जो मोबाइल फ़ोन 3 बरामद हुआ है, 2 वैसी गाड़ियाँ, कीमती गाड़ी मिली है जिसमें किया सेल्टॉस और दूसरा फोर्ड की एक गाड़ी है, ये भी गाड़ी मिली है, जिनका कोई कागजात वगैरह इनके पास से नहीं है। एक मामूली से काम करने वाला जो गैरेज में काम करते हैं या छोटा सा गैरेज है, उनके पास ये इतनी बेशकीमती गाड़ियाँ कहाँ से आई, ये सब एक जांच का, अनुसंधान का हम लोगों का विषय। अभी फिलहाल तीनों को हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तलाश हैं उस नंबर का, उस नंबर के बियरर का जिनसे लगातार थ्रेट कॉल किया है, और सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी कई लोगों को भी थ्रेट दिया जा रहा है TSPC के नाम। टीम SIT का गठन मैंने प्रवीण जी के नेतृत्व में रखा, और सारे मेरे ऑफिसर हैं, कई थानों के ऑफिसर हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही जो लोग मेन अपराधकर्मी हैं, या चाहे वो TSPC से जुड़े हों या किसी भी दूसरे प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हों या अपराधकर्मी हों, उनको बेनकाब हम लोग जल्द करें।